हेलो गाइस। तो दिवाली के शुभ मुहूर्त के 3 4 दिन पहले सीईटी सेल ने एक अच्छा काम किया हुआ है। दैट दे हैव स्टार्टेड विद द ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1। सो आई हैव व्हाट आई हैव डन इज आई हैव फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। उसका मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है स्लाइड्स पे, एंड दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कंप्लीट प्रोसीजर। ओके, तो यहाँ पे जब आप सबसे पहले वो वहां पे वेबसाइट पे जाते हो, विच वेबसाइट, दिस सीईटी सेल का वेबसाइट। ओके, तो जब आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आया होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड एक पासवर्ड है आपका, राइट, विच यू हैड ऑलरेडी सेटअप। तो वो होने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगा जो सब प्रोसेस आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया था। दिस इज द कंप्लीशन स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एफ सी पे जाके फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके आपने चेक कर लिया सब। ठीक है, नाउ उसके बाद आती है बारी आपका एप्लीकेशन कैप राउंड फॉर्म 1 ऑप्शन फॉर्म भरने का है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको टैब दिख रहा है, दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे सब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो एक इन्फॉर्मेशन आएगा टैब, वो आपको सब इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। देयर योर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ब्ला 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 इज प्लीज प्रोसेस्ड एंड सो ऑन सो ऑन, वैसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा। लॉग इन आई डी, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह वगैरह सब डिटेल्स आएगा आपका, सब पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, एंड यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिल कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे यू विल लैंड ऑन दिस पेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इंस्ट्रक्शंस जो है अच्छे से पढ़ लो पहले, पॉइंट बाय पॉइंट। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझे। ठीक है, यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। इसमें जो ब्लू कलर एंड रेड कलर के जो इंस्ट्रक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर द कैंडिडेट्स अदर देन जनरल कैटेगरी लाइक एस सी एस टी, ठीक है, इन्होंने लिस्ट भी दिया हुआ है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स अदर देन जनरल कैटेगरी। जैसे क्या हो रहा है भाई, एस सी एस टी वीजे वीजे डी टी एन टी ए बी सी डी ओ बी सी एस बी सी ई डब्ल्यू एस हु सबमिटेड रिसीट ऑफ कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। मतलब अगर आपका अभी तक कास्ट वैलिडिटी या ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं आया है, आपने उसका रिसीट सबमिट किया हुआ है, या नॉन क्रिमिनल का रिसीट सबमिट किया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का रिसीट सबमिट किया हुआ है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंफर्मेशन के लिए शुड अपलोड एंड वेरीफाई ओरिजिनल कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट एट फैसिलिटेशन सेंटर एंड सबमिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू द एडमिटेड इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर 17th November। ठीक है, 17th November आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स अभी भी रेडी नहीं है, इन प्रोसेस है, तो 17th November मतलब आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है। ठीक है, अदरवाइज द कैंडिडेट्स एडमिशन विल ऑटोमेटिकली गेट कैंसिल। ये ओपन कैटेगरी में एडमिशन कन्वर्ट नहीं होगा, आपका एडमिशन डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। ठीक है, एंड कंसिडर एज ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स फॉर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल ऑटोमेटिकली गेट कैंसल्ड एंड शैल बी कंसिडर्ड एज ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स फॉर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड प्रोवाइडेड कैंडिडेट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ओपन कैटेगरी। अभी नेक्स्ट राउंड के लिए आप ओपन कैटेगरी करके कंसिडर किए जाओगे, प्रोवाइडेड अगर आप ओपन कैटेगरी का भी कट ऑफ फुलफिल करते हो। If a candidate is allotted a seat as per his preference, his or her preference, such allotment shall be auto-freezed and the candidate shall accept the allotment so made. Such candidate shall then not be eligible for participation in the subsequent cap round. मतलब आपने जो ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दिया हुआ है, अगर वो आपको मिला, फर्स्ट प्रेफरेंस बहुत ढंग से देना है, ठीक है, कैप राउंड वन में अगर आपको फर्स्ट राउंड मिला तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। सेकेंड प्रेफरेंस का आगे अगर आपको मिला तो आप फ्लोट कर सकते हो या आपको जो करना है वो कर सकते हो, अगर ऑप्शंस भी है। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट राउंड फर्स्ट प्रेफरेंस मिला तो आपको ऑटो फ्रीज हो जाएगा एंड आप नेक्स्ट राउंड्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आपको देन डू द पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी फ्रॉम देयर लॉग इन एंड हियर आफ्टर सच कैंडिडेट शैल रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड सीक एडमिशन एट द अलॉटेड सीट। जो भी आपको जहां पे भी आपको एडमिशन मिला है वहां पे जाके आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जी क्लिक करने के बाद नीचे नीचे जाओगे आप थोड़ा। ठीक है, तो नीचे जाने के बाद आपको ये सब दिखेगा, ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड वन, आपका मेरिट नंबर दिखेगा, जनरल मेरिट, ऑल इंडिया मेरिट नंबर, स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट नंबर, यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट नंबर, आपको होम यूनिवर्सिटी कौन सा है। ठीक है,
अलॉटेड स्पेसिफिक फर्स्ट प्रेफरेंस सर्च अलॉटमेंट शैल बी ऑटो फ्रीज्ड, फिर से वही पॉइंट दिया, कैरेक्टर अलॉटेड फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम प्रेफरेंस नंबर ऑफ कैपराउंड वन, देन सर्च कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर कैपराउंड्स, फिर से दिया हुआ है, दे आर रिइटरेटिंग द सेम पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से भरना, ऐसा भर दो कि जो आपको मिलने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, जेपीआई में सिमसरी वगैरह भर दो, अगर आपका कट ऑफ उसकी तो आपका कट ऑफ हो, आपने वो कट ऑफ क्लियर नहीं किया है, ठीक है, देन कैंडिडेट हैज टू कंफर्म एडमिशन ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं। थोड़ा नीचे जाओगे तो सिलेक्ट कोर्सेज करके ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज हैं जो एमबीए सीईटी के थ्रू एडमिशन देने वाले कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स गोइंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी विल सिलेक्ट दिस पीजीडीएम, बहुत कम कॉलेजेस में बचा हुआ है अभी, देन एमबीए आईटी, एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआरएम, ये आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको जेबीआई में सिमसरी या टॉप 5 कॉलेज के लिए जाना है तो आइडियली आपने एमएमएस, देन ये यहाँ पे एक एमबीए, ये दोनों भी सिलेक्ट कर लिया तो भी इनफ है फॉर पुणे यूनिवर्सिटी एंड मुंबई यूनिवर्सिटी, अदरवाइज आपके अगर आपको अगर अदर देन दीज टू यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने हैं तो आप अपने हिसाब से फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, देन सिलेक्ट द इंस्टीट्यूट टाइप, आई विल रिकमेंड ये सब सिलेक्ट करके रखो, ठीक है, फॉर द कैंडिडेट्स हु आर नॉट इन टॉप 100 और टॉप 200 आई विल रिकमेंड कि यहाँ पे ये सब सिलेक्ट करके रखो, नीचे भी सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप्स सब सिलेक्ट करके रखो, ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस बोथ सिलेक्ट करो, एंड माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में अगर आप नहीं आते हो तो माइनॉरिटी कॉलेज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कचरा हो जाएगा, ठीक है, एंड टॉप 25 कॉलेजेस का जो मैंने लिस्ट बनाया था एक वीडियो में वो देख के ही अपने अपने कॉलेजेस अप्लाई करो, अगर मैंने एक नागपुर के कॉलेजेस का वीडियो बनाया था, नासिक के कॉलेजेस का बनाया था लेकिन वो अपलोड करना रह गया था, अगर आपको ऐसे सिटी वाइज भी अगर कॉलेजेस चाहिए, सिटी वाइज भी अगर कॉलेजेस चाहिए, आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ कि सिटी वाइज टॉप 5-7 कॉलेजेस का अगर लिस्ट चाहिए तो हम लोग आपको बना के दे सकते हैं, छोटे छोटे सिटीज का मत पूछ लेना है, जैसे अमरावती का पूछने को कोई रिक्वेस्ट आया था, 8 कॉलेजेस है भर दो, 8 के 8 क्या ये बहुत कुछ, जैसे बड़ा डिफरेंस तो है नहीं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जो है उसका फीस कम है इसकी वजह से उसका कट ऑफ हाइयर जाता है, जैसे नागपुर का एंड नासिक का हमने भरा था बिकॉज वहाँ पर थोड़े नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा है, औरंगाबाद का एक बंदे का आया था, औरंगाबाद में 5 कॉलेजेस है, क्या बताऊँ मैं उसमें, है ना, तो थोड़ा आपको अगर चाहिए कि टॉप 25 कॉलेजेस कौन से है उसके बाद टॉप 50 कॉलेजेस कौन से आ सकते हैं तो वो हम लोग थोड़ा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, तो टॉप 25 कॉलेजेस के बाद अपने अपने सिटीज के आपको जो प्रेफरेंस लगते हैं वो डालो, तो सिटीज कौन से सिलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट कौन से करनी है, ये यहाँ पे आप आई विल रिकमेंड सब टिक करके रखो, डिस्ट्रिक्ट कौन से सिलेक्ट करने हैं आई विल अगेन रिकमेंड सब टिक करके रखो, ठीक है, अगर आपको कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना है तो वो अनटिक करना है, सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, एंड जब आप ये सब कर लेते हो, सपोज करो आपने 2-3 सिटी सिलेक्ट कर लिया, ये बंदे का रैंक अच्छा है इसलिए इसने सिर्फ मुंबई एंड पुणे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो फिर उसने कॉलेजेस कौन से अभी यहाँ पे ये कॉलेजेस आए थे उसको एमएमएस के लिए एमबीए के, ठीक है, सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी एंड पुणे यूनिवर्सिटी के, तो ही सिलेक्टेड दीज 5 कॉलेजेस, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने अपने हिसाब से प्रेफरेंस भर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस अगर आपको चेंज करना है तो कैसे करना है, सी यहाँ पे ये दो एरोज दिख रहे हैं आपको, जब आप ये कब आएगा, जब आप ये कॉलेजेस सिलेक्ट कर लोगे, टिक कर लोगे यहाँ पे एंड नीचे जाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट सेव एंड प्रोसीड करोगे, देन यू विल लैंड ऑन दिस पेज, ठीक है, सो दिस इज प्रेफरेंस नंबर, तो जैसे इसका फर्स्ट प्रेफरेंस है जमुना और बजाज, सेकंड प्रेफरेंस है सिडनी, थर्ड प्रेफरेंस है वेलिंगकर, फोर्थ इज पुम्बा एंड फिफ्थ इज सीए, अगर आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना है, जैसे अगर ये 5-6 कॉलेज छोड़कर अगर आपका थोड़ा नीचे रैंक आता है तो आपको अगर वो ऊपर नीचे करना है तो सपोज करो आपको पुम्बा को ऊपर रखना है वेलिंगकर, ठीक है, तो पुम्बा को सिलेक्ट करना है एंड ये ऊपर का देगा दिस वन, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज नीचे लेके जाना है तो पर्टिकुलर प्रेफरेंस नीचे लेके जाना है, सपोज करो आपको वेलिंगकर को सीओपी के नीचे डालना है, तो वेलिंगकर को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो मतलब सिर्फ एरो से आप सिलेक्ट करो एंड प्रेस ऑन क्लिक ऑन दिस, आप नीचे चले जाओगे एंड जब आपको प्रेफरेंस फाइनल होगा देन सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपका ये फाइनल लिस्ट आएगा, ठीक है, इसमें भी जाके आपके पास ऑप्शंस है कि आप कुछ कोर्सेस डिसलेक्ट करने हैं, कुछ चॉइसेस ऐड करने हैं या डिसलेक्ट करने हैं या प्रेफरेंसेस फिर से चेंज करना है, आप कर सकते हैं, वंस यू डू दिस आपको फाइनली यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ पे फिर से देख लेना, बिफोर कंफर्मेशन वेरीफाई योर चॉइस कोड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, यू कैन चेंज देम इफ नॉट सेटिस्फाइड बाय गोइंग हियर, चेक ऑल ऑप्शन फॉर प्रेफरेंसेज केयरफुली बिफोर कंफर्मिंग, कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म, कैंडिडेट हैज टू एंटर पासवर्ड फॉर इनिशियल स्टेज, करेक्ट,
आफ्टर क्लिक ऑन कंफर्म बटन वेट अ वाइल टू रिसीव द ओटीपी, ओटीपी आ जाएगा आपको फोन पे, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस ठीक है। सो नाउ वंस यू क्लिक ऑन दिस कंफर्म बटन, आपने पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म बटन पे क्लिक कर लिया, तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जैसे आप वैलिडेट कर देते हो, आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है, आपको एक नॉर्मल फॉर्म ओपन हो जाता है जिसका आप प्रिंट लेके रखना है ठीक है। पीडीएफ तो सेव करके रखो लेकिन प्रिंट लेके रखो, बिकॉज वो जब आप फैसिलिटेशन सेंटर पे जाओगे तो ये हर एक राउंड का हर एक प्रिंट आपको ठीक है। तो जैसे आप ओटीपी डालते हो, आपको फाइनली आपका जो फॉर्म आएगा वो आपको प्रिंट लेके रखना है फिर से ठीक है। दैट्स इट। इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स, ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन और रीच आउट टू अस ऑन आवर कॉन्टैक्ट नंबर। चलो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।